सास बहू की जुबानी। शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज कामवाली भी नहीं आई, इसीलिए सीलू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ी आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुआसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हों। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख। अभी इस घर में नई आई है सीलू, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना। मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते ही देखते सीलू की आंखें झलझला गईं। वे सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को सीलू की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसे विपरीत सास का व्यवहार पाया, उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भाई की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलाने को विवश कर दी। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में ज़रा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वे बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाना, कहाँ ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज़ घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितने कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज़ इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में गिलास फोड़ा होता तो मालूम चलता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता ना, जाने कहाँ ध्यान रखती है। भाभी भी कड़क कर बोल दी कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ चार बार जली कटी ना सुनो तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ तो कभी मेरे बाप को हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छल्ली कर रहे थे। घर के अलावा उसे और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई। वे शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई। सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसको फ़ोन करते देखा तो बोली कि सीलू सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं जवाई राजा या सास नंद से तो झगड़ा नहीं हो गया? वे बोली, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है आज मेरी सास मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया, तभी सास आ गई और आगे बोलती। उससे पहले ही माँ बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरे सास ने चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया था ना। हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़े ही ना है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज़ में सीलू बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो तू समझ गई ना सारी बात। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार
करती हैं। शिक्षा, घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझें, इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नरक से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहु सास को माँ माने, वे सास बहु को बेटी मान ले। दृष्टि से बदलने की सृष्टि बदल जाएगी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।